छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में 3 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए हैं। हमले में 14 जवान घायल हुए हैं। बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर ये नक्सली हमला हुआ है। टेकलगुड़ेम कैंप में 14 जवान घायल बताए जा रहे हैं और 3 जवान शहीद हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में पुलिस कैंप पर ये नक्सली हमला हुआ। नक्सली हमले में 3 जवानों के शहीद होने की दुखद खबर मिल रही है और इस हमले में 14 जवान घायल हुए हैं। बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर ये नक्सली हमला हुआ है। तो छत्तीसगढ़ से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला हुआ है और इस हमले में 3 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए हैं। हमले में 14 जवान अभी घायल बताए जा रहे हैं। बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर ये नक्सली हमला हुआ है। बस्तर के टेकलगुड़ेम में पुलिस कैंप पर नक्सली हमला हुआ है और इस हमले में 3 जवान शहीद हो गए हैं। 14 जवान घायल बताए जा रहे हैं और घायलों को चौपर से पहले जगदलपुर लाया गया और यहां से उन्हें रायपुर ले जाया जा रहा है। और मेरे सहयोगी सत्य प्रकाश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, ये वही जगह है जहां साल 2021 में नक्सली हमले में 23 जवान शहीद हुए थे। एक बार फिर इसी जगह को निशाना बनाया गया है और 3 जवानों के शहीद होने की दुखद खबर मिल रही है। देखिए, ऐसी जगहों को अपना सेफ जोन नक्सली एक तरह से समझ के चलते हैं और ऐसी जगहों पे उनकी धमक भी उनके मुताबिक रहती है और ये मिथक, उनकी धमक की मिथक अब तक तोड़ी नहीं जा सकी है। ये अपने आप में नक्सलियों के लिए बार बार फन उठाने का एक मजबूत जो है वो मंसूबा देने में कामयाब हो जाता है इस वजह से। और अभी जो ये घटना हुई है निश्चित तौर पे बेहद दुखद है कि अब तक जो जानकारी आई है 3 जवान शहीद हो चुके हैं और ये टेकलगुड़ा का जो इलाका है ये वही इलाका है जो बेहद अति संवेदनशील इलाका माना जाता है। अभी भी ये बताया जा रहा है कि 14 जवान। जी सत्य प्रकाश, तो नक्सली हमले में 14 जवान घायल बताए जा रहे हैं, 3 जवानों के शहीद होने की खबर मिल रही है। इस पर रहेगी नजर, आगे भी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। Z News.